रस लाई बारे एक बार इनके लिए ताली की सेवा से मेरे वृंदावन में मेरे वृंदावन में जो हमारे होशियारपुर की शान है और दो चार दिन पहले हमने अपनी इस प्यारी गुड़िया से अपने एक भजन में अपने आने वाले भजन में इससे थोड़ी सी ठाकुर जी की जो भक्ति है वो दर्शाई है। हमारा जो आने वाला एक भजन है वृंदावन, उस वृंदावन में हमारी राधिका ने बहुत सुंदर अभिनय किया है ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी के लिए इसने पुकार की है, वो भी भजन आपको बहुत ही जल्द तीसरी इस कंपनी से सुनने को मिलेगा। और हमने एक और भजन किया है और वो भजन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आपसे पास करवाना चाहता हूँ। अभी भगवान की कृपा से हिमाचल प्रदेश में मणि महेश के मार्ग में हमने भोले बाबा का एक भजन शूट किया है, वो भी तीसरी इस कंपनी से बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। नए नए भजन आप सभी के लिए, क्योंकि जी हमारा जो होशियारपुर क्षेत्र है ये कभी ना कभी वृंदावन रहा होगा, भगवान के किसी न किसी कल्प में ये वृंदावन अवश्य रहा होगा। ये मेरा छोटा बेटा केशव, अभी इसकी आयु 11 वर्ष की, ये 3-4 वर्ष का था तो मैं इसे भगवान का दीदार करवाने के लिए लेकर के आया, इसका जन्मदिन था, मैं भगवान का आशीर्वाद इसको दिलाने के लिए लेकर के आया और मैं भगवान को निहार रहा था, इसने भी भगवान को निहारा, भगवान के दर्शन किए और जैसे मैं बाहर आया तो इसने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही। इसने क्या कहा, इसने कहा कि पापा ये वृंदावन आप मुझे जहाँ लेकर के आए हैं, वृंदावन में आपने मुझे ठाकुर जी के दर्शन करवाए और मैं इसकी बात को सुनकर के दंग रह गया। मैंने कहा कि हाँ बेटा ये वृंदावन ही है, क्योंकि वृंदावन सो वन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, वंशी वट सो वट नहीं, राधा कृष्ण सुना। तो आप सभी से अपने इन भजनों को पास करवाना चाहता हूँ, जिन्होंने भी मेरे ठाकुर जी से प्यार किया है, प्रीत किया, आप भाई बोली वृंदावन में हरिलाल की We'll be right back.
बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं, नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।